हर घर में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। 12वीं के बाद क्या करें? तानिया को कौन सा कोर्स कराया जाए? रोशनी के को बीए करना चाहिए या बीसीए या फिर फैशन डिजाइनिंग में? ऐसे सवालों के बाद छात्र भी सोच में पड़ जाते हैं कि करें तो क्या करें। जिन्होंने हाल ही में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं एक नई दुनिया में कदम रखने का, वो नई दुनिया जो उनकी सफलता का रास्ता उन्हें मदद करेगी अपनी एक नई और अलग पहचान बनाने में। पर सफलता का यह रास्ता ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे समय में जहां इंतजार होता है एक नए कल का, वहीं यह उलझन भी होती है कि इस सफलता के लिए रास्ता कौन सा चुना जाए। बेहतर करियर के लिए उचित विकल्प चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता न केवल मेहनत से मिलती है बल्कि उचित समय में उचित निर्णय लेने से मिलती है। अपनी योग्यता के आधार पर विकल्प चुनना हर विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। किसी भी दबाव में आकर या करियर के सभी क्षेत्रों की जानकारी के अभाव में कोई फैसला करना आपके करियर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने 12वीं में चयनित विषय आर्ट, कॉमर्स और साइंस के आधार पर किस किस क्षेत्र में आगे अपना करियर बना सकते हैं। संभावनाएं असीम हैं, बस जरूरत है जागरूकता की। हर विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि सभी बड़े सरकारी अफसर ही बन जाएं, और यह भी जरूरी नहीं कि आप अगर 80 या 90% नंबर नहीं ला पाते तो आपका सुनहरा भविष्य नहीं बन सकता। इस मानसिकता को भी खुद पर हावी न होने दें कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही अच्छी होती हैं। आपको अपनी रुचि और टैलेंट के हिसाब से ही अपने करियर का निर्धारण करना है, बस इस सोच के साथ आगे बढ़िए। तो आइए आपको बताते हैं कि कला आर्ट के छात्रों के लिए वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो उनके करियर का बेहतर विकल्प बन सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, +2 के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स एक बेहतर और अप टू डेट विकल्प है। अगर आपको फैशन ही दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनानी है और आपकी दिलचस्पी डिजाइनिंग के क्षेत्र में है तो यह कोर्स आपको सफलता दिला सकता है। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स भी +2 के बाद एक अच्छा विकल्प है और प्रोफेशनली इस कोर्स की डिमांड भी बहुत है। इस फील्ड को चुनकर आप बहुत कम समय में मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन आज के समय में बहुत फेमस कोर्स है। इसके जरिए आप पत्रकार ही नहीं बल्कि कंटेंट राइटर, टेक्निकल राइटर, कंटेंट एडिटर, प्रूफ रीडर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकते हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकते हैं। विदेशी भाषा कोर्स, आज जब देश में मल्टीनेशनल कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में फॉरेन लैंग्वेज कोर्स आपके लिए लाभकारी हो सकता है। न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी यह कोर्स सफलता दिला सकता है। एक्टिंग कोर्स, अगर आपकी रुचि एक्टिंग की फील्ड में, आप एक्टर बनना चाहते हैं तो +2 के बाद आप सीधे एक्टिंग कोर्स कर सकते हैं। कई सरकारी और निजी संस्थान हैं जहां आप एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ब्यूटीशियन कोर्स, ब्यूटीशियन की डिमांड हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर पर है, ऐसे में आप बतौर ब्यूटीशियन अपने बेहतर करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए भी कई मशहूर संस्थान हैं। उद्यमिता, यदि आप आगे चलकर अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यह कोर्स आपकी मदद कर सकता है। यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह के बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उन्हें डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय उद्यमिता संस्थान सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। होटल मैनेजमेंट कोर्स, +2 के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी एक अच्छा विकल्प है। आज लाखों की तादाद में युवा वर्ग इस ओर अग्रसर हो रहा है और सफलता पा रहा है। टूरिस्ट मैनेजमेंट, अगर अपने देश के इतिहास में आपकी रुचि है और पर्यटन के क्षेत्र में आपका रुझान है तो आप टूरिस्ट मैनेजमेंट का कोर्स करके बतौर टूरिस्ट गाइड अपना करियर शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, अगर आपने +2 में साइकोलॉजी पढ़ा है और आपका इस विषय में रुझान है तो आप आगे भी साइकोलॉजिस्ट के कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक, इसके अलावा अगर आप एकेडमिक लाइन में ही जाना चाहते हैं तो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से बीए या बीए ऑनर्स का कोर्स करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एसएससी, एलडीसी, रेलवे जॉब, बेकिन क्लर्क जॉब, कॉन्स्टेबल, जेबीटी, एनटीटी, आईबी असिस्टेंट आदि के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। लाइब्रेरियन, इसके अतिरिक्त +2 के बाद आप लाइब्रेरियन का कोर्स करके भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही संस्थानों में लाइब्रेरियन के रूप में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आईटी सेक्टर, यदि आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए करके आईटी फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। लॉ, +2 के बाद लॉ करना भी आपके करियर के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। आप एलएलबी करके वकील बन सकते हैं। फाइन आर्ट्स कोर्स,
आर्टस के विद्यार्थियों के लिए फाइन आर्टस का विकल्प भी बेहतर साबित हो सकता है। इस कोर्स को करके आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का कोर्स कर आप एनिमेशन व विज्ञापन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप अपने नए आइडिया और अपने पसंद के न्यूज़ या वीडियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।